नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र बारी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जगन्नाथपुरी यात्रा गए थे तो हमारे में दिल में था कि यह जगन्नाथपुरी की मंडी में क्या मिलता है, सब्जी मंडी में क्या मिलता है। जैसे आमतौर पे अपने सब्जी मंडी में क्या मिल जाता है अपने को पता है, लेकिन यहाँ जाने के बाद क्या मिलता है इसके बारे में हमें जानना है। तो चलो चलते जगन्नाथपुरी मंडी में, हमने क्या क्या देखा। अरे कके ना मोर रबर क्या मशरूम है क्या? काजू है क्या? भाव है काजू का? नहीं, रेट क्या है? रेट 100 रुपये का। 100 रुपये का दोस्तों आपने देख लिया, जो आमतौर पे सब सब्जी मंडी में मिलता है वो भी यहाँ मिलता है। तो कभी आप जगन्नाथपुरी जाते हो, अगर आपको खाना बनाना हो जो हमेशा आप खाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं। हमने देखा बैंगन, भिंडी, टोमेटो, बटाटे, पोटैटो और फ्लावर, पत्ता गोभी, जो है सब सब्जी खाते हैं हम, वो सब मिल गए यहाँ। कच्ची कैरी, आम थे, फ्रूट में भी सब था। और उनकी जो हाई लेवल की हरी सब्जी थी, हरी पत्ती वाली, उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन वो भी सब्जी है। तो वहाँ जाने के बाद आप भी अगर खाना परोसना चाहो और बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों प्लीज़, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय दोस्तों।